हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पेश करते हैं हमारी आज की अगली वीडियो, वीडियो नंबर 5। हमारी चार वीडियो पहले आ चुकी है। वीडियो नंबर 2 जिसमें डेफिनेशंस थी, वीडियो नंबर 3 में बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज थी, और वीडियो नंबर 4 में हमने मनी के फंक्शंस देखे थे। आज इस वीडियो नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर, ये जो मनी होती है, इस मनी के क्या कुछ टाइप्स है क्या? मतलब सर, ये मनी जो है, मनी में कुछ तो कैटेगरीज होगी जिस कैटेगरीज के बेसिस पे मनी को डिवाइड किया हुआ है। तो बिल्कुल, मनी के अंदर भी कुछ कैटेगरीज है, मनी के अंदर भी कुछ टाइप्स गिवन है, जिन टाइप्स को हम लोग आज देखने वाले। सबसे पहला जो टाइप है वो है फिएट मनी। कौन सी मनी बेटा? फिएट मनी। दोस्तों ध्यान से सुनना, फिएट मनी मतलब क्या होता है? फिएट मनी मतलब वो पैसा या वो मनी जिसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर घोषित कर रखा है। मतलब जिस करेंसी को गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बोला हुआ है, वो करेंसी फिएट मनी कहलाती है। अब सर, लीगल टेंडर मतलब एक ऐसी मनी जिसको आप लोग यूज कर सकते हो मनी के चारों फंक्शंस के लिए। याद है आपको? मतलब एक ऐसी करेंसी जिसे आप यूज कर सकते हो एक्सचेंज के लिए, वैल्यू मेजर करने के लिए, जिसे आप यूज कर सकते हो स्टोरेज के लिए, और जिसे आप यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट ने जिस भी चीज को लीगल टेंडर बोला, वो कौन सी मनी कहलाएगी बेटा? फिएट मनी। ध्यान से सुनना, अब इस फिएट मनी में क्या आ जाता है? फिएट मनी में आपके सारे कॉइन्स आ जाएंगे और आपके सारे नोट्स आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, इसमें आपके सारे नोट्स और आपके सारे कॉइन्स आ जाएंगे। मतलब चाहे कॉइन कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा कॉइन हो, चाहे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किसने कॉइन हो, ये सारे कॉइन्स कवर हो गए। चाहे करेंसी नोट कोई भी हो, 1 रुपए का नोट है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का, 50, 100, 200, 2000, अगर ये नोट है तो ये सारे नोट्स भी किसमें आएंगे? फिएट मनी में। गवर्नमेंट ने जिसे लीगल टेंडर बोल दिया, वो कौन सी मनी? फिएट मनी। सेकंड जो टाइप है सर, फिड्यूशियरी मनी। ये फिड्यूशियरी मनी, मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर बोला था कि मैं आपको चेक से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा। अभी शांति से सुनना सर, फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? फिड्यूशियरी मनी वो मनी है जिसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर नहीं बोला। मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि आप उसे यूज करो एक्सचेंज करने के लिए, बट उसे मनी ट्रीट किया जाता है ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन बोथ दी पार्टीज। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक पहली बात तो सर, फिड्यूशियरी मनी में आता क्या है पहले बता देता हूं। सर, गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर नहीं बोला फिर भी मनी मान रहे? बिल्कुल मानेंगे। तो सर, फिड्यूशियरी मनी में आएगा क्या? फिड्यूशियरी मनी में आएंगे आपके सारे चेक्स, सारे जितने भी चेक्स होते हैं वो सब फिड्यूशियरी मनी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सामान भेजा किसी सामने वाले पर्सन को, आपका कोई मिलने वाला फ्रेंड वगैरह कोई है, उसने आपको उस सामान के बदले में चेक से पेमेंट किया। किससे पेमेंट किया बेटा? चेक से पेमेंट किया। तो शांति से सुनना, अगर वो आपको चेक दे रहा है तो आप इजीली एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो चेक दे रहा है तो आपको उसका बैंक में पैसा मिल जाएगा। बट अगर आपकी शॉप पे या यूं कहें आपके ऑफिस पे कोई एक ऐसा पर्सन आता है जिसने आपसे सर्विस ली, आपसे गुड्स लिए, उसके बदले में वो आपको चेक दे रहा है और आप उसे जानते नहीं, वो आपसे पहली बार मिला है, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो कोई और सिटी और स्टेट से आया हुआ है, तो वुड यू एक्सेप्ट चेक अगेंस्ट दोस गुड्स एंड सर्विसेज विच यू हैव रेंडर्ड? द आंसर इज नो। आप उस पर्सन से चेक नहीं लेंगे जिसे आप जानते नहीं है। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज यू डू नॉट हैव ट्रस्ट बिटवीन बोथ विद द सेम अगेंस्ट द सेम पर्सन। आया समझ में? जब आप दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट है और वो चेक्स को मनी समझ रहे हैं, तो वो कौन सी मनी कहलाएगी? फिड्यूशियरी मनी। क्लियर हुआ यहां तक? थर्ड, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं? क्रेडिट मनी से पहले हम लोग एक बार फोर्थ पढ़ते हैं, फुल बॉडीड मनी। ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फुल बॉडीड मनी मतलब क्या हुआ कि सर, ऐसी मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू और जिस कमोडिटी से वो बनी हुई है उस कमोडिटी की वैल्यू दोनों बराबर है। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। देखो दोस्तों, हम लोगों को ये ध्यान है कि सर, ये जो करेंसी है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो करेंसी नोट्स देख रहे हैं, 1-2 रुपए के सिक्के देख रहे हैं, ये करेंसी नोट्स ज्यादा पुराने नहीं है हमारे इंडिया में आए हुए। मतलब ये ज्यादा इनको लंबा टाइम नहीं हुआ इंडिया में इश्यू हुए। इससे पहले भी करेंसी हमारी इंडिया में चलती थी, और करेंसी जो चलती थी जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, जो करेंसी चलती थी वो थे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स। तो उस टाइम पे मान लीजिए गोल्ड का कॉइन जो था, मान लीजिए 1 रुपए का गोल्ड का कॉइन था। कितने रुपए का गोल्ड का कॉइन था सर? 1 रुपए का गोल्ड कॉइन था।
अब ये एक रुपए का जो गोल्ड कॉइन है इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? एक रुपए। अगर आप इस एक रुपए के गोल्ड के कॉइन को मेल्ट कर देते और उस गोल्ड को सेल करते, जब मैं ब्रिटिशर्स थे उस टाइम की बात कर रहा हूं, एक रुपए का गोल्ड का कॉइन था मान लीजिए उस समय पे, और उस समय पे गोल्ड के कॉइन की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है जितना इस पे लिखा हुआ है। अब आपने सोचा कि सर इस गोल्ड के कॉइन को मुझे मेल्ट करना है, आपने इसे मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद जो कॉइन बना जिसपे मॉनेटरी वैल्यू तो है नहीं, बट इस गोल्ड को जब आप सेल आउट करोगे मार्केट में आपको इसका भी कितना मिलेगा? नियर अराउंड एक रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब एक ऐसी मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो बताया हुआ है कि सर ये इतने रुपए का है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू जिससे वो बना हुआ है, अगर वो दोनों सेम है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका फुल बॉडी मनी। समझ में आया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर क्रेडिट मनी की। आज के टाइम पे आप जितने भी करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स देख रहे हो ये सारी फुल बॉडीड मनी नहीं है, ये सारी कौन सी मनी बेटा? क्रेडिट मनी। सर क्यों? क्योंकि सर क्रेडिट मनी मतलब वो मनी होती है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है। कौन सी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है। समझना सर, आज अगर आपके पास में 2000 का नोट है, आपको मस्ती सूझी सर आपने क्या किया उस 2000 के नोट को प्रॉपर अच्छे से वॉशिंग मशीन में धो डाला या खुद ने आपने उसको धो दिया एकदम अच्छे से, वो नीट एंड क्लीन व्हाइट शीट हुई। एक बात बताइए, क्या आप उस व्हाइट शीट को मार्केट में ले जाके बेचोगे तो क्या आपको उसके बदले में 2000 रुपए मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे सर 2000 रुपए? क्या दो आने भी आपको नहीं मिलने वाले। तो बात यह आती है कि सर जितनी भी आप अभी करेंसी देख रहे हो, चाहे आप कॉइन्स देख रहे हो चाहे आप नोट्स देख रहे हो, ये सारी करेंसी क्रेडिट मनी है। क्यों है? क्योंकि सर क्रेडिट मनी की डेफिनेशन होती है दैट मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, और कमोडिटी वैल्यू मतलब कमोडिटी वैल्यू ऑफ विच इट इज मेड ऑफ, जिस कमोडिटी से वो बनी हुई है उसकी वैल्यू कम होगी और मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप, बैंक मनी। बैंक मनी मतलब क्या हुआ? बैंक मनी मतलब कमर्शियल बैंक के पास अगर पब्लिक का कोई भी ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो उसे जब चाहे तब निकाल सके, चाहे वो चेक से निकाले चाहे कैश से निकाले, अगर ऐसा कोई पैसा पड़ा हुआ है तो वो सब पैसा कौन सा कहलाता है? बैंक मनी। पैसा किसके पास होना चाहिए? कमर्शियल बैंक के पास। किसका? पब्लिक का। कौन सा? ऐसा अमाउंट जो जब चाहे पब्लिक तब निकाल सके, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स कहो चेकेबल डिपॉजिट्स कहो, पब्लिक के अगर कमर्शियल बैंक के पास पड़े हैं तो वो कौन सी मनी कहलाएगी? बैंक मनी। डिमांड और चेकेबल डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती है। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आएगा? हाई पावर्ड मनी में सर पब्लिक के पास जितना भी पैसा पड़ा है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कमर्शियल बैंक के वॉल्ट में जितना पड़ा है, कमर्शियल बैंक के वॉल्ट्स में जितना भी पैसा पड़ा है वो आ गया, और सेंट्रल बैंक के पास जो भी कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व पड़ा है। सुनना, तीन लोगों का पैसा हाई पावर्ड मनी में आता है, पब्लिक का, कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक का। पब्लिक, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, तीनों का। पब्लिक का कौन सा? जो उनके पास पड़ा है। कमर्शियल बैंक का कौन सा? जो उनके वॉल्ट में पड़ा हुआ है। और सेंट्रल बैंक का कौन सा पैसा? सेंट्रल बैंक का वो पैसा जो कमर्शियल बैंक ने कैश रिजर्व के तौर पे जमा कराया था। समझ में आया? वापस सुनना, हाई पावर्ड मनी में तीन तरह की चीजें आती है, पब्लिक का पैसा जो उनके पास पड़ा है, कमर्शियल बैंक का पैसा जो उनके वॉल्ट में पड़ा हुआ है, और सेंट्रल बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक ने कैश रिजर्व दिया था वो पैसा। तीन लोगों के पास जो भी पैसा है वो टोटल इंक्लूड करेंगे कौन कौन सा? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। एक माइन्यूट सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूं सर, आप लोगों को लग रहा होगा सर पैसा सेंट्रल बैंक के पास है पर कमर्शियल बैंक का है, ऐसा क्यों? हर कमर्शियल बैंक को एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उसे अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई को देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए आरबीआई ने बोला है कि सर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, सर आरबीआई माई बाप है, कमर्शियल बैंक बच्चे हैं सारे, तो आरबीआई की बात माननी पड़ेगी सबको। सुनना, आरबीआई ने बोला कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है तो आपको उसका 10% मुझे लाके जमा कराना है, मेरे पास जमा रहेगा। तो इसका मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़
पैसा आया है डिपॉजिट के नाम का, तो कमर्शियल बैंक उस 1 करोड़ में से 1 लाख किसको ले जाके जमा कराएगा? आरबीआई के पास। और ये आरबीआई के पास जो पैसा है उसको हम हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड करते हैं। आ गया समझ में? हमने 6 टाइप्स ऑफ मनी देखा, एक बार वापस देखते हैं फटाफट। फिएट मनी, जिसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बोला, जिसमें आपके नोट्स एंड कॉइन्स आ गए। फिडुशियरी मनी, मनी लीगल टेंडर नहीं है पर दो पार्टीज के ट्रस्ट की वजह से उसे हम लोग मनी ट्रीट करते हैं। तीसरा क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा है और अपनी कमोडिटी वैल्यू कम है। फोर्थ फुल बॉडीड मनी, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर है। फिफ्थ बैंक मनी, डिमांड डिपॉजिट्स, पब्लिक का जो कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ है। हाई पावर्ड मनी, 3 लोगों के पास जो पैसा है, पब्लिक के पास कौन सा करेंसी, कमर्शियल बैंक के पास वॉल्ट में पड़ा हुआ, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है वो। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। ये बुक है जो मैंने लॉन्च करी है, मेरी खुद की बुक है, टूर ऑन वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बुक आप अच्छे से देख लीजिए, ये पूरी बुक, इस सारी बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस, हर चैप्टर का हर टॉपिक एक अच्छे से समराइज वे में और एक अच्छे से क्रिएटिव तरीके से मैंने इसमें समराइज किया है। इस बुक के अंदर आपको हर एक टॉपिक विद इलस्ट्रेटिव फोटोज, डायग्राम्स, चार्ट्स सब मिल जाएगा, विद टेबल्स ऑल्सो। और ये बुक मोर देन सफिशियंट है। अगर आप कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इस बुक में मोर देन सफिशियंट है, आपको इससे ज्यादा कंटेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो अगर आप में से किसी को ये बुक की रिक्वायरमेंट हो या इसमें से कोई नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, ये कम बहुत कंसाइज नोट्स है, तो अगर रिक्वायरमेंट हो तो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं ये बुक आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यहां तक आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी क्रिएशन के टॉपिक की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी का। एक बार आपने से किसी को नोट डाउन करना है तो फटाफट एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।